जब भी कोई स्टूडेंट कनाडा आने के लिए सोचता है तो सबसे पहला उसका स्टेप ये होता है कि वो डिप्लोमा करे या डिग्री करे। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि डिप्लोमा की क्या रियलिटी है और मोस्टली लोग डिप्लोमा क्यों करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम रखते हैं 200, बहुत ही कम है, आई होप आप लोग कर दोगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु गुप्ता और आप देख रहे हो प्रियांशु व्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिप्लोमा के रिलेटेड कि डिप्लोमा करना क्यों बेनिफिशियल है और लोग डिप्लोमा क्यों करते हैं और आपको डिप्लोमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको डिप्लोमा करना है या डिग्री करनी है, वो टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है। तो फिर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको मैं कुछ फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है फाइनेंशियल। तो डिप्लोमा क्या होता है, 2 साल का भी होता है, ठीक है, एडवांस डिप्लोमा भी होता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैंने डिग्री करनी है, डिप्लोमा नहीं करना, डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ फाइनेंशियल, मतलब अगर आपका परिवार जो है मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर है, मतलब जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, क्योंकि डिग्री में क्या होता है कि डिग्री होती है 3 साल की और डिप्लोमा होता है 2 साल का और 1 साल का भी होता है, ठीक है। तो डिग्री होती है 3 साल की, कई बार क्या होता है कि डिप्लोमा करना मेरे अकॉर्डिंग फाइनेंशियली स्टेबल इसलिए है क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है तो उनके लिए मतलब 1 साल की जो फीस होती है यहाँ पे कनाडा में वो होती है एक सेमेस्टर की $7,000 to $8,000 और एक ईयर की होगी $15,000 to $16,000। तो आप 8 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 साल का 8 लाख रुपए लगा सकते हो। तो 3 साल का इसका मतलब आप 24 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो, $48,000 to $50,000 आप डिग्री पे स्पेंड करोगे अगर आप डिग्री करोगे। तो डिप्लोमा क्या होता है, मोस्टली डिप्लोमा लोग इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली थोड़ा सा ठीक रहता है, क्योंकि 2 साल का कोर्स होता है और उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, ठीक है। तो मोस्टली लोग डिप्लोमा इसीलिए प्रेफर कर देते हैं। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में ये है, वो मैं दूर करने जा रहा हूँ कि कनाडा का जो डिप्लोमा है और इंडिया का डिप्लोमा है बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक तो प्राइस रेशियो में तो वैसे है ही है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट 4 टाइम ज़्यादा फीस देते हैं एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक स्टूडेंट। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट किया था क्योंकि मुझे मास्टर्स नहीं मिल रही थी और मास्टर्स जो है यूनिवर्सिटीज़ में मिलती हैं, यूनिवर्सिटी में ही मिलती है, ठीक है, मास्टर्स तो बहुत महंगी थी। तो जब मुझे PR मिल जाएगी तो उसके बाद मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करने की सोचूंगा कि मैंने मास्टर्स करनी है ताकि मुझे और अच्छी अपग्रेडेड लेवल की जॉब मिल जाए। तो डिप्लोमा के बारे में यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट फाइनेंशियल आता है कि अगर आपकी फैमिली जो बैकग्राउंड है, अब मतलब आप मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर, मतलब आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप डेफिनेटली डिग्री करो, ठीक है, अदरवाइज डिप्लोमा ही बचेगा बिकॉज बहुत सारे बच्चे लोन लेकर आते हैं। तो यही मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ कि आप डिप्लोमा चूज़ करो क्योंकि उसमें ये बेनिफिट होता है, तो एक तो फाइनेंशियल, सेकंड होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि क्या हमें डिप्लोमा के बाद जॉब मिल जाती है कि नहीं मिलता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जॉब के रिलेटेड, मैं आपको सबसे पहला पॉइंट ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी आप अगर आप इंडिया में हो आपको क्या खोलना है, वेबसाइट पे जाना है, लिखना है indeed.ca वेबसाइट। इंडीड की वेबसाइट आप ओपन करोगे कनाडा की, तो वहाँ पे ना आपने जो भी कोर्स का स्कोप देखना है तो वो डाल दो टाइटल। फॉर एग्जांपल बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा आपने देख लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये देखा बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, चलो मैं टाइटल डालता हूँ indeed.ca में बिजनेस मैनेजमेंट। जब आप बिजनेस मैनेजमेंट लिखोगे तो वहाँ पे डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विद पैकेजेस आ जाएंगे कि इतने इतने डॉलर्स मतलब 1 साल के मिलेंगे, मतलब $50,000 to $60,000। फिर उसकी आप रिक्वायरमेंट चेक करना, अब जब आप रिक्वायरमेंट चेक करोगे उसमें क्या स्किल्स लिखे होंगे, उसमें ये नहीं लिखा होगा कि डिग्री की है तभी आपको जॉब मिलेगी, डिप्लोमा किया है तभी आपको जॉब मिलेगी, ऐसे बिल्कुल नहीं होता गाइस। यहाँ का आप जो इंडिया में बैठे सोच रहे हो कनाडा में आकर बिल्कुल डिफरेंट ही होता है। आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप
ये कोर्स करोगे, डिग्री करोगे तो आपको डेफिनेटली जॉब मिली जाएगी। उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए होंगे, तो स्किल्स सेट करने के लिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो डिप्लोमा के रिलेटेड तो यही वीडियो आज की यही एंड करता हूँ। तो अगर आपके लिए मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी कोई क्वेरी होती है मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर देना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। तो डिप्लोमा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कर चुका हूँ। आप देख सकते हो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सिक्योरिटी की शिफ्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि चार महीने बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आना। अभी मैंने अप्लाइड स्टेटस पे हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अपना फाइल कर दिया। तो क्या होता है, तब साइड बाय साइड मैं जॉब भी ढूंढ रहा हूँ। तो फिर आपको भी यही ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको एजेंट बोलता है कि भैया डिग्री कर लो, उसमें ज़्यादा स्कोप है, ये है वो है, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो फिर इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने घर वालों से शेयर कर देना, कि घर वालों को भी पता लग जाए कि हाँ डिप्लोमा की भी वैल्यू है कनाडा में। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।